डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का मैथ है, एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास ए दिया हुआ है। क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स, मतलब 25 स्टूडेंट हैं। 20 पास्ट विथ 60% और मोर मार्क्स, तो उसमें से 20 बच्चे जो है 60% या उससे ज़्यादा नंबर से पास हो जाते हैं। इन अनदर क्लास बी, एक दूसरे क्लास में बी में, वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स 24 पास्ट विथ 60% ऑफ और मोर मार्क्स, मतलब उसमें से 30 बच्चे, क्लास बी के 30 बच्चे में से 24 बच्चे जो है पास हो जाते हैं 60% या उससे अधिक मार्क्स से। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स, तो किस क्लास में पास होने वाले बच्चे जो है उनकी फ्रैक्शन, जो उनका फ्रैक्शन जो है ज़्यादा है, पास होने वाले स्टूडेंट का फ्रैक्शन ज़्यादा है किस क्लास में, क्लास ए में या क्लास बी में। यहाँ पे 60% इतना सारा दिया हुआ है जिससे कि बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 60% का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पास हो रहे हैं और सभी का 60% ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है ये इसका वैल्यू है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाता है। सिंपली आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए, आप 25 टोटल है, तो यहाँ 20 हो गया, तो 20/25 हो गया, और इसमें हो गया 24/30, और उसके बाद कंपेरिजन कर लीजिए कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले क्लास ए से निकालते हैं द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए इक्वल टू 25। टोटल स्टूडेंट 25 है और पास्ट स्टूडेंट, द नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट कितने हैं इसमें से 20, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन यहाँ पे फ्रैक्शन इक्वल टू 20/25, तो ये कट गया 5 से, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 4/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब जो है क्लास बी से द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी तो कितना है 30, और पास्ट स्टूडेंट नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इक्वल टू 24, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन इक्वल टू 24। टोटल जो है वो नीचे रहता है इससे, तो 6 का टेबल में दोनों आता है 6 चिकन बार 6 24 5 बार में कितना आ गया 4/5, यहाँ भी 4/5 और यहाँ भी 4/5, दोनों फ्रैक्शन जो है अब इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जब दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो गया था, हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इक्वल दिखा देंगे और लिख सकते हैं इन बोथ क्लासेस वेयर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% मार्क्स, और ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।